ओम शांति। आज 2 जून 2023, प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष सर्विस के लिए कहा कि जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं, वह ज्ञान का विचार सागर मंथन कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहेंगे। और सर्विस की युक्ति बताते हुए कहा कि हर एक को अपने घर पर यह बोर्ड लगाना है, उस पर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी, देवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। बाबा कहे ऐसे ऐसे करेंगे तो सर्विस बढ़ेंगी, आगे चलकर बहुत धूमधाम होंगी कि वही भगवान आकर पधारे हैं। फिर कहा दिन प्रतिदिन तुम तीखे होते जाएंगे, शक्ति मिलती जाएंगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा। फिर सावधानी देते हुए कहा कि बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, मैं इस ब्रह्मा तन में आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी की कुछ लाज रखना, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कुल कलंकित हो, विकारों को योग बल से भगाते रहो। और विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो, तुमने मात पिता के तखत पर जीत पाई है, अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है, माया के तूफान आएंगे लेकिन कभी हार नहीं खानी है। फिर कहा बाबा कहते हैं तुम रूहानी यात्री हो, हे राही बच्चे थक मत जाना, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो, भारत को देवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा बाप स्मृति दिलाते हैं बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बनते हो, तुमने मात पिता के तखत पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है, कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना, ऐसा कोई काम न हो जाए जो बाप का नाम बदनाम हो जाए, तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनो। आज मुरली में गीत बजा, दर पर आए हैं कसम लेके, हम न जाएंगे छोड़ के। सारे मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं यह साक्षी हो देखते, स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान देना है, अंधों की लाठी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव, सदा बिजी रहे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए, बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता, और जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती क्योंकि उनके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो सदा इसी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। बाबा ने लास्ट में कितनी सूक्ष्म बात और अटेंशन दिलाया कि जितना नशा उतना ही निर्माण। आज का स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।